मैं ना घर आई हूँ अभी अभी। मैं जस्ट बस से उतरी हूँ और रोड से मतलब अपने गांव के रास्ते पे जा रही हूँ घर के लिए। घर आने का रीज़न बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से घर आना चाह रही थी और मतलब 3 बार मैंने प्लान किया कि मैं घर आऊँ घर आऊँ घर आऊँ, बट तीनों ही बार प्लान किसी न किसी वजह से कैंसिल हो गया। और इस बार मैं जो घर आई हूँ वो बिल्कुल भी अच्छा रीज़न नहीं है। ये दिखाती हूँ मैं आपको अपने गांव का रास्ता। ये है यहाँ पर मेन रोड, इस जगह पे ये मेन रोड है और वहाँ से रास्ता घूम के आता है और यहाँ पर, और यहाँ से दिखता है मेरा छोटा सा प्यारा सा गाँव। और 2-3 घर ही दिख रहे हैं बस यहाँ से, यहाँ से रास्ता। और अभी घर पे पापा मुझे, जब मैं राजगढ़ से आई तो पापा मुझे राजगढ़ में दिखे थे, तो इसका मतलब घर पे मम्मी और अंकी भी आई रह गए हैं अभी। तो ये देखो इस घर पहुँच गई हूँ मैं, और मेरे को लग रहा है कि मम्मी भी होंगे नहीं यहाँ पे, शायद गाय वगैरह के पास गए होंगे, देखते हैं। स्टिल नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते। कैसे हो आप? बढ़िया। दिख रहे थे, दिख रहे थे। किससे कहने आप बात? तेरी मासी से। अच्छा, क्या हो रहा? टार्जन वाले मेरा बोल बो 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 टार, अरे मेरा टार्जन इसको तो खराब रहता तो अंदर। बेचारा। अच्छा कुछ नहीं होगी थी ऐसे दाग गए। हाँ तो कैसे लग रहे आपको ये? बढ़िया। आपको क्या लगा? मैंने सोचा आपको क्या लगा ये तो बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? दो और भी थे, दो उतार दिए मैंने। क्यों वो उतार दिए? बाल में किन्नी की जाती थी दिखा, मैंने तो बता भी दी स्टोरी। आप बच्चे चाचा की याद तो नहीं आ रही है? छुट्टी को जब हमारा डॉगी चाचा इसको बहुत ध्यान रखते थे, चाचा खुद खाने से पहले इसको खाना खिलाते थे और अपनी जो उनकी छपाती होती थी अपनी रोटी में से भी, इसको हम अलग से देते थे बट चाचा अपनी रोटी में से भी इसको रोटी देते थे। टार्जन खुशूल है, खुशूल है, खुशूल है, जियो 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 जियो। निखिल भैया नमस्ते भैया, पहुंच गई अभी अभी रूम पहुंच चुकी हूँ। और ये है मेरी दादी का रूम, मेरी दादी का रूम। और ये है मेरे दादी दादी, अरे मेरी दादी। और दादी को फोटोज क्लिक करवाने का बहुत शौक था। ये देखो यहाँ पे जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे उस वक्त दादी राजगढ़ में आज स्टूडियो है वहां पे फोटो क्लिक करवाते थे। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे दादाजी, मैंने दादाजी को कभी देखा नहीं है और फोटोज में फोटो में देखा है, तो मैं दिखाती हूँ दादाजी की फोटो। ये देखो दादा कितने हैंडसम थे मेरे दादाजी, दादी तो ब्यूटीफुल नहीं थे। और ये है पापा, ये है मेरे चाची, चाची बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। और ये है मेरा छोटा भाई संगम, और ये है मेरा भाई अंकिबिया, और ये है संगम क्यूट सा। और बस मेरी फोटोज नहीं मिलेगी आपको बट इस एक फोटो के सिवा, ये हूँ मैं। और अब मुझे करना है काम, और काम में करना है पहले कपड़े चेंज करने हैं, फिर करनी है सफाई कल के लिए, क्योंकि कल चाचा का कहा बन करवा रहे हैं हम, और इसलिए आज सफाई वगैरह करनी है। स्वेटर पहनी दो, ठंडे बहुत ज़्यादा, ठंड अभी लगनी थी है ना, ना आपकी सॉक्स गंदी होनी नहीं चाहिए यहाँ पे, चप्पल पहन के करो, चप्पल पहन के आओ अंदर, सफाई तो करनी है। अब हम करेंगे सफाई, मम्मी गद्दियाँ की कवर्स निकाल कर दी, We'll be right back.
ज़्यादा काम है अभी, अभी सिर्फ मेरा एक कॉर्नर ही जो है, ये कॉर्नर मेरा साफ हुआ है अभी। अभी ये सारा यहाँ तक ये सारा साफ सफाई करने के लिए रहता है। तो चाची का नाम लिया, बस चाची आ गए यार। चाची का नाम लिया, चाची आ गई। नमस्ते आंटी जी, व्लॉग भी चला रही हूँ मैं साथ साथ। अच्छा। चाची साफ सफाई करती है भाई, शगुन बहुत। हाँ। और चप्पल पहन के आओ, सॉक्स गंदी होनी। सॉक्स कल तो मैं रखते हैं ना, ये उतार दो सॉक्स। अच्छा। हाँ। तो गाइस किचन की सफाई ऑलमोस्ट डन है, हम तीनों ने मिलके साफ किया। तो जब जो ज़्यादा लोग होते हैं ना तो जल्दी सफाई हो जाती है, और अब बस नीचे साफ करने के लिए रहा है। और यहाँ पे पानी गिराना है, और मुझे वाइपर लगाऊंगी मैं, डायरेक्ट पोछा नहीं लगाऊंगी मैं, वाइपर लगा लूँ। चाची बाहर कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं सफाई, और मम्मी बाथरूम साफ कर रहे हैं, और मैं किचन में वाइपर लगा दूँ। उसके बाद हम पिएंगे कॉफ़ी पी लेते हैं। मेरा मन तो नहीं है, बट चाची और मम्मी के लिए कॉफ़ी ले जाते हैं, और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा काम। पत्ते गिरने लग गया पेड़ में, है ना, पीपल के पेड़ से। कितने साल का होगा आंटी ये पेड़? किसी को भी नहीं पता। किसी को भी नहीं पता? हाँ। पीपल के पेड़ का कितना पुराना होगा ये? मेरे को तो है ना, मेरे को अभी 20 साल है। हां मेरे को क्या पता, दादी को भी था पता। दादी को भी था पता? दादी के तो साथ ऐसे ही था, उनके सामने भी ऐसे है, पर खड़ा था ऊपर था ऐसे ही, जैसे बड़ा। हां अब झुक गया ये बहुत, मतलब छू नहीं सकते थे इसको, जंप मार के छूते थे ये धीरज मनोज। अच्छा, गांव के भैया वगैरह हैं जैसे खेलते थे, जंप मार के छूते थे इसको। झुक तो गया ये। अभी ताई जी और आए हुए हैं बैठने, क्योंकि मैं आपको रास्ते 7 बजे बता रही थी ना मॉर्निंग में, कि चाचा होते थे हमारे पास एक नेपाली, वो हमारे पास मतलब हमारे पास रहते थे, हमारी हेल्प वगैरह कर देते थे, और बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुके थे अब तो। उनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हो चुकी है, तो मैं भी इसीलिए घर आई हूँ आज, क्योंकि कल उनका हमने हवन रखा है यहाँ पर घर पे, और खाना वगैरह खिलाएंगे लोगों को, लोग आएंगे, तो सफाई भी हम इसीलिए कर रहे थे आज। फिर जब मैं क्लास से वापस पहुंची 4:30 बजे के आसपास, मैं रूम में पहुंची ही थी, और हम लोग बैठे हुए थे, मैं दी वगैरह बैठे हुए थे, तो पापा का मुझे कॉल आया, तो फिर पापा ने मुझे बताया कि अब चाचा तो रहे नहीं। फिर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और मैंने उसी दिन मॉर्निंग में मैंने उनसे बात की थी, मतलब मम्मी मुझे 2-3 दिन से चाचा से बात करवा रहे थे, मतलब वो बोल भी नहीं पा रहे थे कुछ, इतने दिन से इतने बुज़ुर्ग हो चुके थे वो, और मतलब खाना वगैरह भी उनको मम्मी ही खिलाते थे, और अगर वो पानी पी रहे हैं या फिर वो चाय पी रहे हैं तो मम्मी स्पून से उनको वो सब कुछ खिलाते पिलाते थे, तो काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके थे वो। वो चाचा जी को वीडियो कॉल के थ्रू मैंने उनको देखा, मैं उनसे मिल नहीं पाई, आई थिंक मैं उनसे लास्ट टाइम दिसंबर में मिली थी। तो मेरी भी सफाई हो चुकी है, मैं व्लॉग एडिट करूँगी अब थोड़ी देर में, बस एक वॉशरूम रह रहा है सब साफ करने को, एक मम्मी ने कर दिया है। यहाँ बैठे सब लोग, अभी यहाँ पे भी सफाई करने के लिए वही पड़ लगेगा यहाँ पे। अभी ये मम्मी है, ये चाची है, ये ताई है, ये नानी है, और ये नानी का कोई समथिंग बच्चा। ये देखो चाचा के लिए हमने डायपर लेके आए थे, पर पापा ये बच्चों वाले डायपर लेके आ गए। हम फ्री हो चुके हैं काम करके, और आप लोग कर सकते हो बातें, आप लोग क्यों शांत है। और अब हम खाएंगे खाना, अभी थोड़ा इतनी चपाती कितनी लगा रहे हो आप? बस का किसके लिए क्या आपने?
क्या कहाँ जा रहा है? अंकिविया बाहर जा रहा है खाना खाने की, तू तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही है, बोलते मेरे को मत लाना। अंकिविया ने बोला है कि जब तेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैं तब आऊँगा तेरे व्लॉग में, एंट्री तब दूंगा। मुश्किल ही है फिर तो तेरी एंट्री अंकिविया। ये बनाई है सब्जी मम्मी ने, यहाँ चपाती बनाई है गर्म गर्म, और ये लस्सी का अंड को हंड, इधर तो करो हेल्प मेरी। हमने भी कल मैं सोलन में ना आलू न्यूट्री बनाई थी, घर वाली न्यूट्री, तो उसके साथ लस्सी पीने का मन हो रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक है हम खाना खाते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। मम्मी नीचे की लाइट्स कर दो बंद यार, नीचे की लाइट्स क्यों की ऑन? तो अभी नहीं है लाइट्स ऑन करने की जरूरत। गाइस अब जाके फ्री हुए हैं हम, सुबह 11 बजे से 3 बजे हमारा लंच हुआ है, और सुबह 11 बजे से लग गए मैं चाची और मम्मी, उसके बाद 3 से 5 बजे तक हमने रेस्ट किया, और फिर रेस्ट करने के बाद 5 बजे मैं फिर से लग गई थी, और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। और मम्मी भी आ गए हैं गाय से दूध निकाल कर, और अभी ताऊ जी और आ रहे हैं, कुछ ताऊ जी ताई जी वगैरह आ रही हैं, नहीं ताऊ जी हाँ और ताई जी मतलब कि 2-3 ताऊ जी और 1 ताई जी आ रहे हैं, ताऊ जी और ताई जी आ रहे हैं। चूल्हे में जल चुकी है आग, और शायद बाहर कोई आ गया है, ताऊ जी और आ गए, हाँ कोई आ गया। और मेरी 3 माएँ आ गई हैं, कपल कपल, ये कपल है ये मम्मी पापा, ये कपल है, और ये कपल है, ये सबसे बड़े ताऊ जी मेरे ताई जी शर्मा गए कि नहीं 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 नहीं, ये बन रही है मेरी दाल। बजे दाल तो बन गई, मक्की की रोटी भी बन जाएगी, एक रोटी। मम्मी को बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाहट हो रही है अभी कि खाना बनना नहीं है, लोग आ गए हैं, बट अभी सिर्फ 7 बजे, मम्मी को लग रहा है कि कहीं लेट देर ना हो जाए। ये दाल के लिए लगाया पानी आपने? दाल और सब्जी के लिए, और इसमें क्या डाल रही है? इसमें मैंने चाय पत्ती और चीनी डाल दिया। ये पीछे खाली होगा ना घर वाले, इसमें डालूं चावल? इसमें यहाँ बन रही है आज अरबी के साथ, अरबी और राजमा के साथ मक्की की रोटी। मम्मी बना रहे हैं मक्की की रोटी, सब्जी देख ली मैंने, बाकी सारे ताऊ जी, ये सारे ताऊ जी है, यहाँ चाचू है, ये सबसे बड़े ताऊ जी, इनसे छोटे उनसे छोटे इधर पापा, इधर ताई जी, इधर भी ताई जी, इधर मम्मी, और यहाँ बन रही है अरबी, यहाँ बनी है राजमा, और यहाँ बन रहा है राइस, चूल्हे की रोटी। इतने आदमी दिखा और बोलो देखो थे जंगल दे जा रहा, अब तो जली आग। ताई जी यहाँ पे घी निकाल रहे हैं शक्कर के साथ और राजमा के साथ के लिए। इतनी हेल्प कर लाल लाल को आग से आ रही है रोशनी। अच्छा अच्छा, जैसे बोले कट भी जाता है बात। हाँ मैं बाहर जाऊँ थोड़ी देर, क्या करना है कुछ यहाँ पे और? ठीक है
यहाँ से फोन उठा कर चलो बाहर। यहाँ आएंगे भैया, अपने में ही रहता है जो है ये एलोवेरा जेल खा रहा है। उफ, तू ही खा सकता है इसको। छी, देखो कड़वा नहीं लग रहा ये है? वीडियो के चक्कर में तो खा लिया, अब तो फेंकना पड़ रहा है। डलेगा। नाइट व्यू कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा दूर जाके। यहाँ पे सारा राशन रखा है कल के खाने वगैरह के लिए, खाना वगैरह का। यार यहाँ पे ना अंधेरा सा हुआ है अभी, ये वाली लाइट खराब हो चुकी है, और वहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी दिखेगा थोड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस चाचा नहीं आज, अगर आज चाचा होते तो शायद ये रौनक होती नहीं आज यहाँ पे, और चाचा आज है नहीं तो इसीलिए आए हैं सभी लोग। तो चलो मैं देखती हूँ कि क्या बना है अभी तक अंदर रूम में चलकर, यहाँ पर बैठकर देखती हूँ क्या बनाया मैंने क्या नहीं बनाया। तो गाइस अभी मैंने व्लॉग जो है वो एडिट कर दिया है और मैं इसको पब्लिक कर दूंगी थोड़ी, मतलब कल तक कर दूंगी मे बी। और ये व्लॉग काफ़ी लंबा ना बन जाए इसलिए मुझे ये व्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा। और मुझे अभी खाना खाने बुला रहे हैं, मतलब खाना वगैरह बन गया है, और मम्मी की कॉल आई थी मुझे कि खाना खाने आ जाओ, तो फिर अब मैं यहाँ पे खाना खाने जाऊँगी, सभी लोग हम लोग खाना खाएंगे और व्लॉग को भी फिर यहीं एंड कर देते हैं। फिर मैं सोची टू बी कंटिन्यूड रखूँ या फिर इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँ, तो फिर मैंने अपना डिसीजन जो है वो बना लिया। तो फिर मेरा डिसीजन ये रहा कि मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल हवन के साथ।